सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डिविलियर्स की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत रंगपुर राइडर्स ने ढाका डायनामाइट्स को शिकस्त देकर छठी कामयाबी हासिल कर ली। फातह टीम ने 187 रन का हदफ 19वीं ओवर्स की दूसरी गेंद पर 2 विकेटों पर हासिल किया। 5 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद एबी डिविलियर्स और एलेक्स हिल्स हरीफ बाउलर के सामने चट्टान बन गए। दोनों बल्लेबाजों ने हरीफ बाउलर की खूब दुर्गत बनाई और तीसरे विकेट पर 184 रन की नाकाबिले शिकस्त रन जोड़कर हरीफ टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एबी डिविलियर्स 100 और एलेक्स हेल्स 85 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एबी डिविलियर्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पीर को खेले गए मैच में ढाका डायनामाइट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। रूनी तालिकदार 52 रन बनाकर नुमाया रहे। केलन पोलार्ड 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सुनील नारायण 28 और कप्तान शकीब उल हसन 25 रन बनाकर आउट हुए। फरहान रजा ने 2 विकेटें लिए। जवाब में रंगपुर राइडर ने मतलूबा हदफ 18.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा किया। पूर की इनिंग्स का आगाज कुछ ज्यादा अच्छा ना था और 5 के स्कोर पर उसे क्रिस गेल और रेली रूसो का नुकसान उठाना पड़ा। क्रिस गेल 1 रूसो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इस मौके पर एबी डिविलियर्स और एलेक्स इंतहाई शानदार और जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए तीसरे विकेट की शराकत पर 184 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। इसी दौरान डिविलियर्स ने शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। एबी डिविलियर्स 100 और एलेक्स हेल्स 85 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो दोस्तों ये थी एलेक्स हेल्स और एबी डिविलियर्स की शानदार बैटिंग के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।